हल्के नीचे रखो 15 से 30 मिनट तक, ठीक है। और फिर अगर बर्न बहुत ज्यादा सीवियर है, मतलब किसी और को अगर समझो बर्न मतलब जल रहा है, सबसे पहले क्या करना, उसके ऊपर एक कंबल उड़ा देना, उसे उसे लेटा के ऐसे लात मार मत मारना, ठीक है। बहुत लोग ऐसे मूवी वगैरह में दिखाते हैं उसको लेटा के उसको लात मार रहे हैं, इससे उसको और लग सकती है, ठीक है। आप क्या करना, कंबल उसके ऊपर उड़ा देना ताकि उससे आग बुझ जाए, ठीक है। और अगर किसी को उसका हाथ चल रहा है और उसके हाथ में वॉश है, ठीक है, उसके हाथ पैसे निकाल देना। अब ट्रैफिक एक्सीडेंट, आप में से बहुत लोग गाड़ी अब गाड़ी चलाते हैं, तो जो इंडिया में जो मेजर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होता है कि हम गाड़ी बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाते हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये जो ग्राफ है ये चंद्रपुर का ही है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 15 से 29 साल के लोगों में सबसे ज्यादा डेथ होती है। स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यू इज कि आप प्लीज गाड़ी थोड़ी केयरफुली चलाएं, ठीक है। जिसने पर्पस को पकड़ के मारा, सबसे पहले कभी भी एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। और उसके बाद में जो समझो पेशेंट है, अगर वो उसका कार में एक्सीडेंट हुआ है, वो कार में फंसा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, निकाल कार में जो कांच होता है कभी कभी वो टूट जाता है, तो उसे कांच या मेटल के पीसेस की लग सकती है, हम जब निकाल रहे थे, तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और उसे अगर कार में आग नहीं लग रही है तो उसे मत निकालिए, ठीक है। अगर कार में आग लग रही है या कुछ ऐसा हो रहा है कि कार में उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी तो उसे निकालिए, वो भी केयर की, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट आपको सबकॉन्शियस मिलता है, ठीक है, तो ये सर का एक्सीडेंट हो गया, अब इसको मैं ये लोग ये लेके हुए हैं, तो मैं इस पर सबसे पहले तो बोलूंगा कि भाई तुम कुछ नहीं होगा, तू बच जाएगा, कुछ नहीं, बस मैं उसको आश्वासन देता हूँ। फिर मैं उन्हें एक तरह से इधर से ऐसा बोल करूंगा, फिर इनका जो ऊपर वाला हाथ है ये मैं इनके सर के नीचे रखूंगा ऐसे, ठीक है, ताकि इनको सपोर्ट रहेगी सर को, ठीक है। उसके बाद इनका जो ये वाला पैर ऊपर वाला ये मैं थोड़ा सा आगे बैठे रखूंगा। अब ये मैंने क्यों किया कि अगर इनको कभी फिट्स या मिर्गी जैसा कुछ हुआ तो ये सब रोल होंगे क्या, रोल नहीं होगी, वैसे लुढ़क पुलक के कहीं चले ना जाए इसलिए। और इनका जो खून है ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो नाक से हम नाक से लेते हैं और फिर ऐसे आता है, तो एल शेप में जाता है ना नाक से लेकर ऐसे, पर अगर मैं उसका मुंह ऐसा कर दूंगा ऊपर तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगा, तो वो स्ट्रेट में एयर जाने के चांसेस ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो ऑलमोस्ट सब खेलते ही है और यहाँ पे वैसे ही बहुत ज्यादा धूप मिलती है, यहाँ पे बाहर निकले तो वैसे ही चलना आ जाता है, वो ठीक से मिल नहीं पाता, क्या वजह से